और यू मोदी देश को लग रहा बेचन, देश कैसे बिक रहा, रेल बेच लिए, हवाई जहाज बेच लिए, एयरपोर्ट बेच लिए, सड़क बेच ली, सारा कुछ लग रहा बेचन, प्राइवेट हाथों में दे रहा, प्राइवेट हाथ में कोई फ्री में दे रहा, उन पर तो पैसे ले रहे हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर इस समय देश भर में किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। पिछले करीब 15 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। देश भर से किसानों के धरने प्रदर्शन की खबर आ रही है। राणा जी, आज आप लोगों के द्वारा आंदोलन तेज कर दिया गया है और जयपुर जो दिल्ली हाईवे है उसको भी आप लोगों द्वारा जाम करा जा रहा है। जो जाम किसान ने कर लिया, किसान को तो बदनाम करा जा रहा, जब उन्होंने आगे पत्थर अड़ा दिए सरकार ने तो किसान कहाँ तक जाम कर जाए, वो तो घर से निकल चुके अपनी समस्याओं को निदान के लिए। सरकार बहरी हो रही, गुंगी हो रही, अंधी हो रही, तो इसमें सरकार का दोष है। किसान कहीं जाम नहीं लगाना चाहता, ना बाबा टिकैत का ऐसा उद्देश्य था कि हम कहीं जाम लगावा। जहाँ भी कहीं बैठा किसान अपनी रक्षा के लिए बैठा, अपनी जमीन की रक्षा के लिए बैठा, और यू मोदी देश को लग रहा बेचन, देश कैसे बिक रहा, रेल बेच लिए, हवाई जहाज बेच लिए, एयरपोर्ट बेच लिए, सड़क बेच ली, सारा कुछ लग रहा बेचन, प्राइवेट हाथों में दे रहा, प्राइवेट हाथ में कोई फ्री में दे रहा, उन पर तो पैसे ले रहे हैं। तो सरकार ने अब किसान को बेचने का मन बना लिया, किसान की धरती बेचने का मन बना लिया, पर यू किसान इतना बावला अड़ गया तो अड़ गया, आर पार की लेंगे और इसकी लाठी गोली बंदूक जोन सी है उसका किसान डट कर मुकाबला करेगा। और फौज को भी अगर यू लगा देना, फौज में मारे जाकत है, उन्हें हम वापिस कहें तो वापिस आ जाएंगे। 60% किसान के बच्चे हैं उस फौज में, इस किसान के ही तो खून है उनके अंदर। अरे हम मोदी पर हटाए हटते नहीं, मोदी हट जाएगा एक दिन। कितनी सरकार आई कितनी गई, या मोदी की भी आई है ना सरकार, या भी जाने वाली है। इसका मोदी का झूठ चलेगा नहीं, ये झूठ का पुलिंदा थोड़े दिन चला कर, मोदी ने चला लिया बहुत दिन, अब यू मोदी आगे उतर के ही भागेगा यहाँ से। आप लोग गांधी पार्क में इकट्ठा हुए हैं, यहाँ से कहाँ जाएंगे और किस तरह से? भाई जनपद सहारनपुर है, यहाँ से सड़क को लोगों को दिखाते हुए चलेंगे। भाई हम लोग दुखी हैं, किसान बहुत दुखी है, यू दुख में ही बाहर निकला है। किसान कभी सड़कों पर नहीं आना चाहता, ये सरकार मजबूर कर रही सड़क पर लाने के। और जिला सहारनपुर के कलेक्टर को जाकर हम वो देंगे ज्ञापन, कलेक्टर को आना पड़ेगा वहाँ, और वही उसी को ज्ञापन देंगे हम, जो हमारे टिकैत साहब ने ऑर्डर हमें दिया है उनका आदेश मानते हैं हम लोग।